हेलो एवरीवन, आई एम रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। आज मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल में मथुरा की खस्ता बेडमी पूरी और आलू की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले हम पूरी की स्टफिंग बनाने के लिए एक कटोरी उड़द की दाल लेंगे और उसे मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसे एक बड़े बॉल में लेके इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि हींग, सौंफ, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हल्दी और नमक। और अब इन सभी मसालों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसका हल्का गीला मिक्सचर बना लेंगे आटे के जैसा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें वरना मिक्सचर गीला हो जाएगा। और अब इस मिक्सचर को हम ढक करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम पूरी के लिए आटा गूंथ लेंगे, जिसके लिए एक बाउल में लेंगे एक कटोरी आटा, एक कटोरी मैदा, आधा कप सूजी या रवा, नमक और अजवाइन, कसूरी मेथी, एक चम्मच तेल और एक चम्मच घी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसमें इसमें कोई गुठली ना रह जाए। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका पूरी जैसा सख्त और सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। अब हम आटे को ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक पैन में 2 चम्मच बेसन डालकर उसे 2 से 5 मिनट भून लेंगे। अब हम इस भुने हुए बेसन को अलग से कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल के हल्का सा गर्म होने पर अब हम इसमें हींग और जीरा डालेंगे। अब इसमें 1/2 इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें 1 तेज पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे। अब इसे तेल अलग होने तक पका लेंगे। तेल अलग हो चुका है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें बाकी के सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर, ये सबको अच्छे से मिला लेंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पहले से भुना हुआ 2 चम्मच बेसन डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मसाले के भूल जाने पर अब हम इसमें पहले से बॉईल किए हुए आलू को ऐड कर देंगे और इन सबको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना लेंगे। सब्जी में हल्का सा उबाल आने पर इसमें ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी और डालेंगे, जिससे इसका स्वाद और अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करेंगे।
हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, हमारी सब्जी बनके तैयार है। बेदमी पूरी बनाने के लिए यहाँ हमने आटा और उसकी स्टफिंग ले लिए। अब हम आटे को अच्छे से लंबा लंबा करके इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब हम इन लोइयों को गोल करके इनको पूरी की तरह थोड़ा सा बेल लेंगे। यहाँ मैंने स्टफिंग की गोलियाँ बनाकर तैयार कर ली थी, जिसे हम इसके सेंटर में रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्टफ कर देंगे। ध्यान रखें, ये मिक्सचर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हम इसे पूरी की तरह बेल लेंगे। ध्यान रहे, मिक्सचर बाहर नहीं निकलना चाहिए और पूरी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इन पूरियों को मीडियम हॉट तेल में तल लेंगे, इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक। लीजिए, हमारी खस्ता बेदमी पूरी बनके तैयार है। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म और खस्ता बेदमी पूरी और सब्जी बनके तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।